हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बोनो स्टडी सेंटर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप एसटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी लेवल है, टीजीटी लेवल है या फिर पीजीटी लेवल है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 6000 राशि है उधार ली गई है और उस राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है कि 6000 रुपये उधार ली गई है और रेट जो हमारा 5% है और 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए गाइज, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की बात करते हैं तो CI का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल यानी कि जो राशि उधार ली जाती है, और 1+R हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और T क्या होता है, हमारा टाइम होता है, और इसमें से हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो गाइज, हम फार्मूले के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर फार्मूले से आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और हमें अपने टाइम को सेव करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 2 मेथड होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। तो एक तो होता हमारा रेशियो मेथड, एक होता हमारा ट्री मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम स्पेशली बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, रेशियो मेथड के बारे में बात करेंगे। तो रेशियो मेथड, अगर आपसे पूछ लिया कि 2 ईयर का जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, तो आपको रेशियो लर्न करना है 2:1, ठीक है। अगर आपसे 3 ईयर्स के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करना, तो आपसे 3:1 याद करना। अगर आपसे 4 ईयर के बारे में बात की जाती है कि 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको याद रखना है 4:6:4:1, ये आपको याद करना है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे इस रेशियो का यूज करके? तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6000 क्या हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, आर जो हमारी क्या है, 5%, आर हमारी 5% है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 6000 का 5% निकालना है। तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएंगी, 5×6 यानी कि 300 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 रुपये 5% हो जाएगा 6000 का, ठीक है। उसके बाद रेशियो क्या था, 2:1। अब इसका दोबारा से फिर हमने दूसरे साल के लिए करना है, तो इसका 5% निकालेंगे, तो 5/100 क्या हो जाएगा, 5×3=15, तो 15 हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर दो पहले 5% निकाला तो क्या आ गया, 300, और दूसरी बार 5% निकाला क्या आ गया, 15। अब हमारा रेशियो क्या था, 2:1 था, यानी कि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 600, यहाँ से क्या आ जाएगा, 15। तो 600+15 ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पर राशि क्या पूछी है कि 2 साल के अंत में वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर यानी कि अमाउंट पूछा है, और अमाउंट कैसे निकलता है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था हमारा, 6000 रुपये मूलधन था, और इसमें जो हमारा ब्याज है 615 ऐड कर देंगे तो 6615 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम मैं आपको ट्री मेथड का यूज करके भी बताती हूँ कि ट्री मेथड का कैसे यूज करते हैं। कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि 6000 रुपये की राशि है, ये हमारी क्या है, राशि, और ब्याज जो होता है, ब्याज क्या होता है, RT% होता है, कितना होता है, RT% होता है। तो यहाँ पर हम ब्याज किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही है। तो देखो यहाँ पर 2 साल का पूछा है, तो हम इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5% है, कितनी है, 5%। तो इसका पी का कितना निकालना हमने, आर परसेंट पी हमारा 6000 है, तो 6000 का आप क्या निकाल लोगे, 5% निकाल लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5×6=30, यानी कि 300 जो हो जाएगा पहले साल के लिए हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा,
पहले साल साधारण ब्याज इतना होगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है, इसका भी कितना निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे, तो 5% इसका भी कितना आ जाएगा, 300। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। अब दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, देखो पहले साल तो 300 हो गया, दूसरे साल का अगर साधारण ब्याज की बात करते 300 हो जाएगा, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा इससे पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 300 का भी आप क्या निकालोगे, 5%, तो 300 का 5% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अगर हम आपसे साधारण ब्याज के बारे में बात की जाती है तो दो साल का साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा, 300 + 300 = 600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करती है तो इसमें ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो 600 + 15 तो कितना हो जाएगा, 615, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आपसे दो साल के बारे में बात की जाती है, यानी कि पहले साल तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, दूसरे साल जो ब्याज होगा वो पहले साल पर जो राशि होगी उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है गाइस, अब देखो 615 क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और 615 को आपने प्रिंसिपल में ऐड कर देना 6000 में, तो क्या आ जाएगा, 6615, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस रेशियो को याद करना है, ये रेशियो क्या है कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल, आपने उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते जाना है। ठीक है, अब चलिए अगर 3 ईयर का निकालेंगे तो आपको इस वाले क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे दिया कितना, 10,000 रुपये, आपका प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टी क्या है, 3, और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, 3:3:1, ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब देखो 3:3:1 का मतलब क्या, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो 10,000 का आर जो हमारा 10% है ना, तो इसका आपने क्या निकालना, 10% निकालना है, तो 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,000 आ जाएगा। ठीक है, 3 साल का पूछा है, 3 बार निकाला, अब ये 1,000 आ गया, अब आपने इसका 10% निकालना है, इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस आपने इस 100 का 10% निकालना है, तो 100 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखो पहले साल कितना है, 1,000, फिर क्या है, 100, और फिर क्या है, 10, ये आ गया। अब आपने जो रेशियो है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3,000, यहाँ से क्या आ जाएगा, 300, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 10, और इन तीनों को आपने ऐड कर देना है, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 3,310, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, यानी कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपने एक बार निकाला, फिर जो आ गया आपने उसका 10% निकाला, फिर जो आ गया आपने उसका 10% निकाला, इसको इस तरह से राइट कर देना और 3,310 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है कि 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो अगर 4 ईयर के बारे में बात हो रही है तो आपको कौन सा रेशियो लर्न करना है कि 4, 6, 4 और 1, इस रेशियो को आपने लर्न करना है। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 4,000 रुपये, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4,000 का जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने परसेंट आपने निकालना है, तो 10%, तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 400 को आपने यहाँ पर लिख देना, अब इस 400 का आपने क्या निकालना है, 10%, 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, अब इस 40 को आपने लिख देना है। अब इस 40 का, क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर का पूछा आपने, 4 बार निकालना है, तो 40 का 10% तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 4 का फिर अगेन आपने 10% निकालना है, तो 10% निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 0.4। ठीक है गाइस, अब आपने क्या करना है कि जो भी आपका रेशियो है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 और 1, इसको ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 1600, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 4 जा क्या होता है,
240 आ जाएगा इसका, 4 4 जा 16 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब इन सभी को आप क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 1600 में 240, फिर 16 और फिर 0.4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 5 8 और 1, तो 1856.4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसके से गाइस, यदि आपको 3 साल का पूछ ले या 2 साल का पूछ ले या 4 साल का पूछ ले तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में इतना ही हो जाता तो धन क्या है। तो यहाँ पर देखो 2 वर्षों में कितना हो गया 1200 रुपये और 5 वर्षों में कितना हो गया यहाँ पर 1500 रुपये। देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 वर्षों का डिफरेंस है, तो 3 वर्षों में, तो देखिए गाइस यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है, 300 रुपये। तो 3 साल में 300 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 300/3 यानी कि 100, तो 1 साल में 100 ब्याज लगता है, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, 100+100 यानी कि 200। 1 साल में अगर 100 लगता तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वर्षों में कोई धन 1200 रुपये हो जाता है। कोई धन अगर 1200 रुपये होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो हमारा साधारण ब्याज भी ऐड हो रहा है। कोई वर्ष अगर 12, कोई धन अगर 2 वर्षों में इतना हो जाता है तो उसमें ब्याज भी तो ऐड है ना, तो इस ब्याज को हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। तो यहाँ पर 1200 में से हम 2 साल का ब्याज कितना लगता है, 200 200 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।